और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम मॉडिफाई में फिलेट और चैम्फर के ऊपर काम करेंगे। तो फिलेट हमेशा आपके कॉर्नर को राउंड करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि चैम्फर आपके कॉर्नर को कॉर्नर के एड्स को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन दोनों को मैं इन दोनों पे कंपेयर भी करूंगा, इन दोनों पे काम भी करूंगा। तो मैं यहां से एक सिंपल से एल लाइन ले लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेता हूँ एक्सेल। यहां पे चैम्फर पे काम करना है सी एच, अपने यहां पे जी मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। चैम्फर पे काम करना है और यहां पे इसको चीज का स्टाइल चेंज कर दो, टाइम न्यू रोमन। अभी तक हमने टेक्स्ट के ऊपर काम किया नहीं है, जब करेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। और यहां पे जी फिलेट इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी वी पेस्ट करते हैं और यहां पे आपसे ऐड कर लें, डबल क्लिक करें और इसको फिलेट कर देता हूं। ओके, तो आज के लेसन में हम इन चीजों के ऊपर काम करना है। तो चैम्फर के लिए मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, यहां से यहां तक 10 फीट की लाइन देता हूँ, फिर यहां से नीचे तक भी मैं 10 फीट की लाइन दे देता हूं। इसी तरह फिलेट के ऊपर भी मैं यही काम करूंगा, एल एंटर करता हूं, यहां से यहां तक 10 फीट की लाइन दे देता हूं और यहां से यहां तक भी 10 फीट की लाइन दे देता हूं। 10 इंच शायद अलग ही है। एल एंटर 10 फीट एंटर। ओके, एक और काम करता हूं, यहां पे एल एंटर करता हूं, यहां से यहां तक भी मैं 10 फीट की लाइन ले देता हूं और एल एंटर करके मैं यहां से नीचे थोड़ा सा करके यहां से यहां तक भी मैं 10 फीट की लाइन, एल एंटर, एफ एयर प्रेस करें स्ट्रेट लाइन के लिए और यहां से यहां भी एक 10 फीट की लाइन दे देता हूं। एम एंटर करता हूं, इसको एफ एयर प्रेस करके इसको थोड़ा सा मूव कर दें और इसको मैं कॉपी करता हूं सी पी एंटर करके, तो इसको मैं यहां से यहां मूव कर देता हूं। अब इनके ऊपर हमने काम करना है, तो काम करने के लिए आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आप यहां से मैं देख आपको बताता हूं चैम्फर। सबसे पहले यहां पे चैम्फर से पहले आ रहा है जी फिलेट, फिलेट पे काम कर रहा है। तो फिलेट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहां पे कुछ ऑप्शन भी आ जाएंगे और यहां पे कह रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा फिलेट की शॉर्ट कमांड है एफ एंटर। अब ऑटो कैड में जैसे जैसे चेंजिंग आई है, जैसे कि न्यू वर्जन 2017 है, 2017 में एफ से रिलेटेड काफी सारी कमांड्स आ गई है। तो याद रखें कि जब भी आप F प्रेस करें तो नीचे आप देख लीजिएगा कि यहां से फिलेट यहां पे एक्टिव है हो रहा है कि नहीं, फर्स्ट पे F है, फिलेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपने उसको क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास यहां पे शुरू में फिलेट अप्लाई हो रहा है। या फिर एक और तरीके ये कि आपने यहां से डायरेक्ट आपने FIEET फिलेट लिख देना है या फिर आप यहां से ओपन कर लो। तो मैं फिलेट पे क्लिक करता हूं। फिलेट पे क्लिक करने के बाद आप फिलेट के लिए कह रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो देखिए से कॉर्नर क्या हो गया, आपस में जुड़ गए, देख सकते हैं। इसी तरह मैं यहां से चैम्फर के लिए अप्लाई करता हूं, चैम्फर के लिए सी एच ए एंटर करता हूं और यहां से कह रहा है कि चैम्फर के लिए भी अपने सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी क्लिक करना है, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्लिक करना है। तो चैम्फर आप बस यहां पर इस तरह आ रहा है, देख सकते हैं।
बाय डिफॉल्ट जो चैम्फर का स्टाइल होता है वो क्या होता है, सी एच ए एंटर, और डिस्टेंस इसका होता है जीरो एंड जीरो. अब मैं जब चैम्फर को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए ये भी सीधे कॉर्नर को आपस में जोड़ रहे हैं. अब यहाँ पे फिलेट और चैम्फर का काम एक ही है. अगर फिलेट और चैम्फर में आपने कोई भी और इफेक्ट अप्लाई नहीं किए हुए तो इनका काम एक ही होगा. अब एक और काम करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करता हूं. अब एक और काम करते हैं कि एफ एंटर करता हूं मैं फिलेट के लिए, और फिलेट के लिए यहां पे आप कह रहे हैं जी सबसे पहले अंडू या पॉलीलाइन, अंडू और पॉलीलाइन पे बाद में काम करते हैं, फिलेट रेडियस के ऊपर काम करते हैं. अब यहां पे इसका रेडियस, रेडियस पे मैं क्लिक करता हूं. अब कह रहे स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, रेडियस आपने कितना देना है, तो मैं इसको देता हूं फॉर एग्जांपल जी 2 फीट का इसको रेडियस दे देता हूं. कह रहे सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है. फिर कह रहे सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो ये देखिए इसका रेडियस यहां पे ये राउंड हो चुका है. इसी तरह चैम्फर के ऊपर देखते हैं, तो चैम्फर में सी एच ए एंटर करता हूं. तो चैम्फर के लिए आपको कह रहे हैं यहां पे, एक तो कह रहे हैं सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अपनी मॉडिफिकेशन करनी है, तो मॉडिफिकेशन में पॉलीलाइन के बजाय डिस्टेंस और एंगल. अब डिस्टेंस और एंगल यही मेथड में भी यूज होते हैं, जो ही मैं मेथड पे क्लिक करता हूं तो कह रहे हैं आपने डिस्टेंस सेलेक्ट करना है या एंगल सेलेक्ट करना है, देख सकते हैं. तो इन दोनों से कोई एक चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और कह रहे सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट आर, आर में आप डिस्टेंस को सिलेक्ट करें, और कह रहे स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस में देता हूँ 2 फिट. कह रहे सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस में इसको देता हूँ 2 फिट. आप जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा ये फर्स्ट आ गया, सेकेंड पे क्लिक करता हूँ सेकेंड आ गया. तो ये देखें इससे एड्स बन गए और यहाँ पे इसका कॉर्नर बन गया. अब जब भी आप चैम्फर पे काम करेंगे, जैसे कि मैं सी एच ए एंटर करता हूं और मैं इसको यहां से फर्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और सेकंड को सिलेक्ट करूंगा, तो जो इफेक्ट हमने इस पे अप्लाई किया सब चैम्फर में वही इफेक्ट अप्लाई होगा. तो अब चेंज करना चाहो तो चेंज करने के लिए आप डिस्टेंस पे क्लिक करो और आप इसको डिस्टेंस जीरो दे दो, सेकेंड को भी जीरो दे दो. तो अब देखो तो यहाँ पे अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा. जैसे कि मैं सी एच ए एंटर करता हूँ, फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और सेकंड को भी सिलेक्ट करता हूं, देखिए ये 0 0 के फर्स्ट के पास आ गया, ऐड हो गया. इसी तरह आप फिलेट पे भी यही काम कर सकते हैं. एफ एंटर करें और यहां से रेडियस इसको करते हैं जी 0, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और सेकंड को करें, तो ये 0 हो गया. लेकिन आपका ये जो रह जाता है इसको आप डिलीट करेंगे, फिर आप 0 हो गया. तो ये फिलेट और चैम्फर का कुछ टेक्निक्स हैं. इसी तरह एफ एंटर करता हूं मैं. अब F एंटर करने के बाद आपको रेडियस, तो हमने रेडियस कर लिया, रेडियस आप जितना दे सकते हैं. अब ट्रिम, ट्रिम में क्या होता है कि बच्चा तो रेडियस भी आ जाए और ये जो एरिया है ये ट्रिम ना हो, ये ट्रिम ना हो और इसके अंदर रेडियस भी आ जाए. फिलेट के लिए ये दोनों ये एरिया ट्रिम ना हो और इसके अंदर भी रेडियस भी आ जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप ट्रिम पे क्लिक करें और नो ट्रिम को यहां से आपने सिलेक्ट करना है, या फिर आप टी से टी प्रेस करें टी से ट्रिम आ जाएगा, और नो ट्रिम के लिए एन प्रेस करेंगे तो नो ट्रिम आ जाएगा. तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो वर्ड कैपिटल होते हैं या यहाँ पे जिनका कलर ब्लू है तो वो कमांड्स होती हैं, किसी भी आपके ऑटोकैड में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी वो कमांड्स होती हैं, उसकी और मॉडिफिकेशन होती है. तो नो ट्रिम मैंने कर लिया. अब मैं इसको रेडियस देता हूँ. रेडियस आप फुट और इंचेस में भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं 5 फीट करता हूँ 5 फीट का रेडियस आ जाएगा, और आप नॉर्मल डेसिमल भी दे सकते हैं 30 का मैं इसको रेडियस दे देता हूँ. सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें तो आपके पास ये एरिया इसका ट्रिम नहीं हुआ फिलेट में. इसी तरह चैम्फर में भी आप ये काम कर सकते हैं, सी एच ए एंटर, और चैम्फर में भी आपने ट्रिम पे क्लिक करें. सबसे पहले आप ट्रिम पे क्लिक करें और ट्रिम के लिए नो ट्रिम के लिए देखें एन प्रेस करता हूं मैं, ये नो ट्रिम हो गया. और डिस्टेंस दे दें, डिस्टेंस को मैं देता हूं जी फॉर एग्जांपल 2 फीट एक का और 2 फीट सेकंड का, और यहां पे क्लिक करता हूं, तो ये देखें जरा 2 फीट और 2 इंच मैंने दिया था. दोबारा से मैं कर लेता हूं, सी एच ए एंटर, डिस्टेंस के लिए डी एंटर, और एक होता हूं 2 फीट एंटर, दूसरे को भी देता हूं 2 फीट एंटर. फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सेकंड को क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे इसका भी ट्रिम नहीं हुआ. अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, एल एंटर करता हूं, F8 प्रेस करता हूं, ये काम ट्रिम का ही फंक्शन है, ट्रिम का ये दोनों फिलेट और चैम्फर दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं. सी एच ए एंटर करता हूं,
और मैं ट्रिम को क्लिक करता हूं, और ऐसे ही मैं ट्रिम, अगर मैं चाहता हूं नो ट्रिम तो नो ट्रिम हो जाएगा, अगर मैं करता हूं ट्रिम, ट्रिम पे मैं क्लिक करता हूं और फर्स्ट यहां से इसको सिलेक्ट करता हूं, सेकंड को सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखिए ट्रिम हो रहा है। और अगर मैं यहीं पे इसको क्या करता हूं जी, नो ट्रिम करता हूं, ट्रिम, और इसको मैं नो ट्रिम पे क्लिक करता हूं, फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और सेकंड को सिलेक्ट करता हूं, तो नो ट्रिम हो रहा है। अब एक और चीज आप याद रखेंगे, सी एच ए एंटर करता हूं, डिस्टेंस अगर मैं इसको देता हूं जीरो और जीरो, और ट्रिम को मैं यहां से क्या कर देता हूं जी, नो ट्रिम क्लिक कर देता हूं, तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहां से इस पर क्लिक करूंगा, तो देखिए यहां पर मैच नहीं हो रहे, देख सकते हैं, सी एच ए एंटर क्लिक किया और यहां पर क्लिक किया, आपस में मैच नहीं हो रहे। इसी तरह फिलेट में भी यही काम है, आप काम खुद कर लीजिएगा क्योंकि लेसन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते थे। तो अब इस चीज को आप एक्टिव करने के लिए, चैम्फर और फिलेट दोनों के लिए एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सी एच ए एंटर करना है और ट्रिम को क्लिक करके आपने क्या करना है, इसको ट्रिम ही चूज करना है। आप ट्रिम जब चूज करेंगे तो आपका सही काम करेगा। अब इसी तरह इसका रेडियस है या एंगल है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सी एच ए एंटर करता हूं, तो एंगल के लिए मैं एंगल सिलेक्ट करता हूं और एंगल दे देता हूं इसको 45 का एंगल दे देता हूं, सॉरी पहले इसने कहा लेंथ कितनी देनी है आपने, सी एच ए एंटर एंगल, कह रहा है कि आपने स्पेसिफिक चैम्फर लेंथ कितनी देनी है, तो लेंथ तो मैं देता हूं जी 5 फीट। अब कह रहा है एंगल कितना देना है, तो एंगल से मैं देता हूं 45। और अब मैं यहां पे इसको क्लिक करता हूं और यहां से इसको क्लिक करता हूं, और ये एंगल इसलिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने डिस्टेंस इसका नहीं दिया, सी एच ए एंटर डिस्टेंस दे देता हूं, एक को 1 फिट, दूसरे को भी 1 फिट। अब एंगल आप चले चूज करें, एंगल में दे देता हूं जिसको, एंगल की लेंथ जो देता हूं वो देता हूं 5 फिट, और एंगल जो मैं देना चाह रहा हूं वो मैं देता हूं जी 45। सिलेक्ट करते हैं और यहां से ये देखें, अब इसका एंगल चेक करना है, तो आप यहां से एल एंटर प्रेस करता हूं और एंगल के लिए मैं एनिमेशंस पे क्लिक करके यहां से देखता हूं एंगल क्या है, क्या है इसका, एंगल आ गया, देख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम एंगल अप्लाई भी नहीं होता क्योंकि आपके पास यहां पे अगर आप 30 का एंगल देंगे तो ये जाहिर सी बात है 45 में बेंड होकर आपके पास यहां पे इस तरह आएगा, 30 का एंगल देंगे तो इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगा। तो ये था जी एंगल। अब ये हमने जी कुछ काम के चैम्फर के ऊपर, अब इसी तरह चैम्फर में और देखते हैं, सी एच ए एंटर, चैम्फर पे हमने डिस्टेंस भी कर लिया, एंगल भी कर लिया, ट्रिम भी कर लिया, मेथड में मेथड पे क्लिक करेंगे तो डिस्टेंस और एंगल पे पूछेगा, और मल्टीपल मतलब ज्यादा आपने और देने तो दे सकते, तो अब रह गया पोली लाइन, मल्टीपल और अंडू। अंडू का फंक्शन ये होता है कि कोई भी काम जो आप करते हो तो उसको रिपीट करने के लिए आप अंडू यूज करते हो। तो अभी मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहां से इसको ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर लिया, और अब मैं सी एच ए एंटर करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, इसको अंडू करूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, वापस रिपीट हो जाएगा। कंट्रोल जी करें, जैसे कि जी में करता हूँ, ये देखें वापस आ गया, तो ये काम अंडू का भी होता है। अच्छा, अब मल्टीपल के लिए क्या करने थी, मल्टीपल करते हैं और पॉलीलाइन, तो पॉलीलाइन आपस रेक्टेंगल भी पॉलीलाइन होता है, जैसे कि मैं आर ई सी एंटर करता हूं और यहां से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरह यहां पे भी आर ई सी एंटर करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं, तो रेक्टेंगल पॉलीलाइन ही होती है बेसिकली, या फिर आप पॉलीलाइन के लिए पी एल एंटर करें और यहां पे आप एक पॉलीलाइन ले दें, और इसी को मैं सी पी एंटर करके कॉपी करता हूं और यहां पे इसको ऐड कर लेता हूं, तो यहां पॉलीलाइन भी आ गई। अब यहां पे देखें तो ये पॉलीलाइन है, ये भी पॉलीलाइन है, तो अब मैं चैम्फर पहले अप्लाई करता हूं, सी एच ए एंटर करता हूं। अब यहां पे आपने क्या करना है, पॉलीलाइन को सिलेक्ट करना है और पॉलीलाइन के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस दे दें, डिस्टेंस में देता हूं पॉलीलाइन के लिए 2 फिट का डिस्टेंस, और 2 फिट का डिस्टेंस, ओके। अब जस्ट मैं एक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें सारा का सारा यहां पे चेंज हो रहा है, देख सकते हैं, क्योंकि पॉलीलाइन को जब आप सिलेक्ट करते हो कंप्लीट पॉलीलाइन एक पूरा ऑब्जेक्ट है, लाइन को सिलेक्ट करते हो लाइन ये अलग से लाइन है, ये अलग से लाइन है, तो पॉलीलाइन के लिए अगर आप काम करना चाहें और आप चाहते हैं कि एक ही वक्त में सारे के सारे कॉर्नर्स के ऊपर काम हो जाए तो पॉलीलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसी तरह यहाँ पे देखिए, तो इसमें सिलेक्ट करता हूँ पूरी 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 लाइन है, और मैं फिलेट पे अप्लाई करता हूँ, तो फिलेट के लिए एफ एंटर करता हूँ, इसके रेडियस पे क्लिक करता हूँ, और रेडियस इसको मैं दे देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 30, जस्ट क्लिक करूंगा तो देखें सारे के सारे कॉर्नर से क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने पॉलीलाइन के ऊपर काम नहीं किया, पॉलीलाइन पे सिलेक्ट नहीं किया था, तो पॉलीलाइन को सिलेक्ट करें, और अब यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, सारा का सारा राउंड हो गया। इसी तरह मैं रिपीट इसी कमांड को करता हूँ, और यहाँ पे देखें ये भी नीचे पॉलीलाइन है, तो अब यहाँ पे मैंने पॉलीलाइन नहीं ली, ये लाइन ही आपके पास आ गई है, पॉलीलाइन के लिए पी एल एंटर करें, अभी पॉइंट लाइन आ गया। अब इसी के लिए आपने क्या करना है जी, सी एच ए एंटर करता हूं, मैं पॉइंट लाइन को सिलेक्ट करता हूं, और पॉली लाइन का डिस्टेंस जो है वो आप 10 डिस्टेंस देना है आपने, और चैम्फर के लिए देखें तो ये चैम्फर आ गया आपके पास, और इसी तरह फिलेट करें एफ एंटर, और इसको भी आपने पॉली लाइन पे क्लिक कर दें, और यहां से सिलेक्ट करें तो ये फिलेट हो गया, फिलेट का रेडियस आप देख के पॉली लाइन को चेंज कर सकते हैं। अब पीछे रह गया जी आपके पास, फिलेट एफ एंटर करता हूँ, फिलेट का हमने अंडू भी कर लिया, पॉइंट लाइन रेडियस ट्रेम और मल्टीपल नहीं किया तो मल्टीपल करते हैं, और इसी तरह चैम्फर का भी मल्टीपल रह गया, कंट्रोल जी करता हूँ। मल्टीपल के लिए क्या है कि मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, तो मैं ए की बार में सबको ऐड करना चाह रहा हूँ, सब पे इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करें, सी एच ए एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं, और मल्टीपल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से डिस्टेंस अब देना चाहिए तो डिस्टेंस दे दें, डिस्टेंस में देता हूँ जी 1 फिट एंटर, और दूसरे कोई 1 फिट एंटर, और मल्टीपल को सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे चैम्फर में देखें फर्स्ट को सिलेक्ट किया, सेकंड को सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ गया, एक ही टाइम में सारे काम कर सकते हैं। अब देखें दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि मैंने इसको रेडियस कम दे दिया, सॉरी इसको मैं डिस्टेंस कम दिया हुआ। देख सकते हैं इसी तरह आपने क्या करना है जी, फिलेट के भी अप्लाई कर सकते हैं, एफ एंटर करें, मल्टीपल सिलेक्ट करें और रेडियस दे दें, रेडियस में इसको दे देता हूं 30 एंटर, और 30 फिट नहीं देना, एफ एंटर मल्टीपल, और रेडियस के लिए आर एंटर करता हूं, 30 देता हूँ, और मल्टीपल जस्ट चूज करता हूँ, और यहाँ पे देखें तो मल्टीपल हो रहा है। तो ये था जी आज का लेसन आपका, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, हमने कंप्लीट चैम्फर और पैलेट के ऊपर काम किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और टूल्स के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।